रात के ठीक 9:10 हुए। ये आकाशवाणी पणजी केंद्र का मादरी चैनल है। प्रस्तुत है हिंदी कार्यक्रम। श्रोताओं, हिंदी कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे गुरु नानक जी का संदेश। इस विषय पर डॉक्टर शुभ्रता मिश्रा से वार्ता। गुरु नानक जी को हम सिर्फ सिख धर्म के संस्थापक और 10 सिख गुरुओं में से पहले गुरु के रूप में ही सीमित नहीं कर सकते, बल्कि उनके विराट व्यक्तित्व में एक महान दार्शनिक, योगी, गृहस्थ, धर्म सुधारक, समाज सुधारक, कवि, देशभक्त और विश्व बंधु के विविध गुण समाहित हैं। ऐसे भारतीय मनीषी गुरु नानक जी द्वारा दिए गए संदेश, विचार, वाणी, कथन और शब्द मानव जाति के लिए प्रेरणा और ज्ञान का स्रोत बने हैं। सबसे उल्लेखनीय बात यह है कि गुरु नानक जी का व्यक्तित्व एवं कृतित्व जितना सरल, सीधा और स्पष्ट है, उसका अध्ययन और अनुसरण भी उतना ही व्यवहारिक रहा है। गुरु नानक वाणी, जन्म साखियों, फारसी साहित्य एवं अन्य ग्रंथों के अध्ययन से यह सिद्ध होता है कि गुरु नानक उदार प्रवृत्ति वाले स्वतंत्र और मौलिक चिंतक थे। वास्तव में गुरु नानक जी में एक सामान्य व्यक्ति और एक महान आध्यात्मिक चिंतक के अद्भुत सम्मिलन का दर्शन होता है। वे कभी लोकनायक लगते हैं तो नबी भी प्रतीत होने लगते हैं। वे एक ओर साधक लगते हैं तो उतने महान उपदेशक भी हैं। उनमें शायर एवं कवि के दर्शन होते हैं तो दूसरे ही पल में एक गृहस्थ और संत की अलग अलग छवियां भी उनमें दृष्टिगोचर होने लगती हैं। गुरु नानक जी का अवतरण भारतीय तिथि पंचांग के अनुसार संवत 1526 में कार्तिक पूर्णिमा के दिन पिता मेहता कालू और माता तृप्ता देवी के घर हुआ माना जाता है। और यदि अंतर्राष्ट्रीय प्रचलित दिनांक को ध्यानगत रखते हुए बात की जाए तो उनका जन्म 15 अप्रैल 1469 को तत्कालीन पंजाब प्रांत के तलवंडी नामक ग्राम, जो इस समय लाहौर पाकिस्तान में है, में हुआ था। गुरु नानक के उस जन्म स्थान को ही वर्तमान में ननकाना साहिब गुरुद्वारा कहा जाता है। ननकाना साहिब हमेशा से ही विश्व में विभिन्न देशों में रह रहे सिखों के लिए उच्च ऐतिहासिक और धार्मिक मूल्य का एक शहर है। गुरु नानक जी 15-16 वर्ष की उम्र तक तलवंडी में ही रहे थे। 16 वर्ष की उम्र में ही उनका विवाह सन 1485 में बटाला में सुलखनी से हुआ। उनके दो पुत्र श्रीचंद्र और लक्ष्मीचंद भी हुए थे। बाद में गुरु नानक अपने परिवार सहित सुल्तानपुर लोधी आ गए थे, जो अब भारतीय पंजाब के कपूरथला जिले में आता है। सन 1507 में गुरु नानक अपने परिवार को छोड़कर विश्व भ्रमण पर निकल गए थे। 1521 तक उन्होंने भारत, अफगानिस्तान, फारस और अरब के प्रमुख स्थानों का भ्रमण किया। जीवन भर देश विदेश की यात्रा करने के बाद गुरु नानक अपने जीवन के अंतिम चरण में अपने परिवार के साथ करतारपुर बस गए थे। गुरु नानक जी ने 25 सितंबर 1539 को 70 वर्ष की उम्र में अमृतत्व को प्राप्त किया। इस तरह उन्होंने अपना पूरा जीवन लोगों के मन से आडंबर, भ्रम एवं अज्ञान को दूर कराकर आत्मा और परमात्मा जैसे गूढ़ विषयों से परिचित करवाने में समर्पित कर दिया। गुरु नानक ने विश्व में सर्वत्र प्रेम और भाईचारे की भावना को प्रसारित कर एक स्वस्थ समाज को निर्मित करने का सार्थक प्रयास किया। दुनिया अपनी भौतिक सुख सुविधाओं को विज्ञान और तकनीकियों के आधार पर भले ही कितना भी उन्नत बना ले, लेकिन मानव जाति के वास्तविक सुख के मूल में प्रेम, संतोष और शांति जैसे तत्व ही मायने रखते हैं। इसी आधार पर यह कहा जा सकता है कि गुरु नानक जी ने अपने अनुयायियों को मूलतः जो संदेश दिए थे, वे आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं और शायद आगे भी हमेशा लोगों का मार्गदर्शन करते रहेंगे। गुरु नानक जी की शिक्षा का मूल सत्व व्यावहारिक मानवतावाद रहा है, जिसमें परोपकार,
धार्मिक अथवा सांप्रदायिक पक्षपात से रहित समानता की मानसिकता के नैतिक नियमों के अनुसरण के साथ साथ एक अनंत सर्वशक्तिमान परमात्मा को सत्य स्वरूप में स्वीकारने की प्रेरणा दी गई है। गुरु नानक अपने प्रथम उपदेश में ही स्पष्ट करते हैं कि ईश्वर एक है और वह सर्वत्र व्याप्त है और प्राणी मात्र में भी मौजूद है। अतः सदैव एक ही ईश्वर की उपासना करो। गुरु नानक की वाणी भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से ओतप्रोत है। वे अपने संदेश में लोगों को ईश्वर के प्रति विश्वास रखने के लिए मंत्र देते हुए समझाते हैं कि ईश्वर की भक्ति करने वालों को किसी का भय नहीं रहता, इसलिए हर समय ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। गुरु नानक अपने संदेशों में जहाँ ईश्वर की सत्ता के होने की अनुभूति जगाते हैं, वहीं व्यवहारिक जीवन में लोगों को ईमानदारी और परिश्रम से जीविकोपार्जन की नैतिक शिक्षा भी देते हैं। वे कहते हैं कि मोक्ष प्राप्त करने और ईश्वर के साथ समागम करने का सच्चा मार्ग संसार से विरक्ति या ब्रह्मचर्य के पालन में नहीं है, बल्कि एक गृहस्थ का जीवन जीने, ईमानदारी से आजीविका कमाने और सांसारिक प्रलोभनों एवं पापों से बचने में है। उन्होंने समझाया है कि भोजन शरीर को जिंदा रखने के लिए जरूरी है, पर लोभ लालच व संग्रह वृत्ति सर्वथा बुरी प्रवृत्ति है। इसी के साथ उन्होंने बुरे कार्यों को करने के बारे में सोचने को भी बुराई का दर्जा दिया है और किसी को परेशान करने और सताने की भी निंदा की है। उन्होंने अपने उपदेशों में कहा है कि सभी लोगों को सदैव प्रसन्न रहना चाहिए और ईश्वर से सदा अपने लिए क्षमा मांगनी चाहिए। मेहनत और ईमानदारी की कमाई में से जरूरतमंदों को भी कुछ देना चाहिए। उनकी दृष्टि में सभी स्त्री और पुरुष समान माने गए हैं। सभी को अपने आध्यात्मिक एवं लौकिक दायित्वों के बीच संतुलन बनाए रखते हुए सदाचारी एवं सत्यनिष्ठ जीवन जीने का अभ्यास करना चाहिए। गुरु नानक जी ने लोगों को बेहद सरल भाषा में समझाया कि ईश्वर सभी मनुष्यों का साझा पिता है। फिर एक पिता की संतान होने के बावजूद हम ऊंचे नीचे कैसे हो सकते हैं? अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले को मंदे। उन्होंने समाज में सदियों से चली आ रही जात पात की ऊंच नीच वाली कुप्रथा को समाप्त करने और सभी को समान दृष्टि से देखने की दिशा में कदम उठाते हुए लंगर की प्रथा शुरू की थी। लंगर में सब छोटे बड़े, अमीर गरीब एक ही पंक्ति में बैठकर भोजन करते हैं। आज भी गुरुद्वारों में उसी लंगर की व्यवस्था चल रही है, जहां हर समय हर किसी को भोजन उपलब्ध होता है। इसमें सेवा और भक्ति का भाव मुख्य होता है। गुरु नानक सत्य के पुजारी थे और उन्होंने धर्म का विवेचन करते हुए स्पष्ट कहा है कि धर्म के विषय में लंबी चौड़ी बातें करने से कोई लाभ नहीं। सिद्धांत वही सच्चा है और ठीक माना जा सकता है जो व्यवहार में लाया जा सके। नानक जी की दृष्टि में कोई व्यक्ति आडंबर रूप में चाहे कितना भी पूजा पाठ, जप तप, योग आदि करे, लेकिन यदि वह लोगों का उपचार, पीड़ितों की सेवा नहीं करता है, तो उसका किया हर जप तप सब महत्वहीन है। गुरु नानक जी कहते हैं कि अपने आत्म को खोजने के लिए पहाड़ों, गुफाओं, कंदराओं में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, बल्कि अपने नेक कर्मों से ही व्यक्ति स्वयं को पहचान सकता है। व्यक्ति केवल परोपकार के द्वारा ही विश्व में प्रेम और भाईचारे की भावना को विकसित कर सकता है। समाज में से विषमता को मिटाकर समता तथा एकीकरण का महान कार्य गुरु नानक ने शुरू किया था। मानववाद गुरु नानक जी के दर्शन का आधार रहा है। वे कहते हैं कि अहंकार द्वारा ही मानवता का अंत होता है। अहंकार कभी नहीं करना चाहिए, बल्कि हृदय में सेवा भाव रख जीवन व्यतीत करना चाहिए। गुरु नानक अपने गूढ़ रहस्यवादी संदेश के माध्यम से शिक्षा देते हैं कि मनुष्य को अपने मन और शरीर को स्व अनुशासन में धीरे धीरे लाते हुए स्वयं के भीतर छिपे शाश्वत शुभ को उजागर करना चाहिए।
गुरु नानक जी के जीवन का अधिकांश समय निरंतर पदयात्राओं में ही बीता। इस दौरान उन्होंने कई तीर्थ स्थलों के दर्शन किए और वे सभी धर्मों में निहित आधारभूत सत्य में विश्वास रखते थे। उन्होंने हमेशा समाज में व्याप्त कुरीतियों का विरोध किया और अपने स्तर पर समाधान भी दिए और लोगों को जागरूक किया। गुरु नानक जी ने अपने दिए उपदेशों को स्वयं के जीवन में भी अमल में लाकर एक आदर्श स्वरूप सामाजिक सद्भाव की मिसाल कायम की है। इस तरह गुरु नानक जी ने धर्म में एक नई लहर उत्पन्न की और समानता की विचारधारा पर सिख धर्म को मूर्त रूप दिया। सिख धर्म अपने बुनियादी सिद्धांतों में दयालुता, शांति और मानवीय सिद्धांतों को सिखाता है। गुरु नानक जी की शिक्षाएं गुरु ग्रंथ साहिब में संग्रहित हैं, जिसमें 947 काव्य स्रोत व प्रार्थनाएं हैं, जो पंजाबी भाषा और गुरुमुखी लिपि में लिखी गई हैं। सिख धर्म के अनुसार गुरु नानक की शिक्षाएं तीन प्रकार से संपादित हैं: वंद चक्को अर्थात जरूरतमंद की मदद करना व साझा करना, कीरत करो यानी बिना धोखे के शुद्ध जीवन जीना, और तीसरी शिक्षा है नाम जपना अर्थात खुशहाल जीवन व्यतीत करने के लिए ईश्वर को याद करना। पंजाबी भाषा में सिख शब्द का अर्थ शिष्य होता है। सिख ईश्वर के वे शिष्य हैं जो गुरु नानक सहित सिख धर्म के 10 गुरुओं के संदेशों और शिक्षाओं का पालन करते हैं। गुरु नानक के अनुयायी उन्हें नानक, नानक देव जी, बाबा नानक और नानक शाह नामों से संबोधित करते हैं। निसंदेह गुरु नानक की शिक्षाओं और संदेशों ने विश्व समाज का पुनरुत्थान किया है। उनकी प्रेरणा से अद्भुत चेतना जागृत हुई और शोषित पीड़ित हृदयों में आशा का प्रकाश भर उठा। यही कारण है कि आज भी गुरु नानक देव जी के अवतरण दिन को दुनिया भर में गुरु नानक गुरु पर्व और प्रकाश उत्सव के रूप में मनाया जाता है। गुरु नानक जी द्वारा दिए गए अनमोल वचन और संदेश प्रत्येक मनुष्य को ज्ञान, शांति, आध्यात्मिकता, सद्गुण, समानता, अच्छाई और प्रेम, सफलता की सीख सिखाने वाले हैं। गुरु नानक के विचार आज भी दुनिया भर के लोगों को प्रेरित करते हैं। हिंदी कार्यक्रम में आप सुन रहे थे गुरु नानक जी का संदेश। इस विषय पर डॉक्टर सुब्रता मिश्रा से वार्ता, और इसी के साथ ही आज का हमारा हिंदी कार्यक्रम अब समाप्त होता है।